हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे सेवंथ स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा आखिरी चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 20 इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्स। आज हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, सन क्या होता है एंड बहुत सारे टाइप्स स्टार्स के मैंने आपको बताया था एंड साथ ही में बहुत सारी चीज ये भी बताया था कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है स्काई वॉचिंग, वो आपको पढ़ाने वाला हूं। लेकिन थोड़ा सा डीप टॉपिक है, वीडियो हो सकता है शायद थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन फिर भी आपको एंड तक देखना है ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट कि अर्थ के ऊपर क्या क्या चीजें होती है जब हम लोग स्काई को कंसीडर करते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, ज्योग्राफी के रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक है। मतलब अगर आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है तो ये एक मिक्सचर है, साइंस पढ़ रहे हो आप लेकिन एक ज्योग्राफी जैसा चीज पढ़ना है आपको, तो ये बहुत ही आपको काम आएगा और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप उस चीज के शौक रखते हो तो। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं मैं जिसका नाम है दोस्तों स्काई वॉचिंग। ठीक है, हम बचपन से लाइक हमेशा कुछ नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम छोटे होते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा आसमान की तरफ देखते थे और सोचते थे कि यार ये आसमान कितना बड़ा है, इसका कहीं एंड हो रहा है कि नहीं। यही सब चीजें चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो स्काई वॉचिंग पहला टॉपिक है हमारा, स्काई वॉचिंग। ओके, तो इसकी बात अगर मैं करूं स्काई वॉचिंग की, तो एक डायग्राम उसको मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं, डायग्राम के बाद आपको मैं कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। तो बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही सुंदर डायग्राम है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं डायग्राम बनाने की, आपके टेक्स्टबुक में भी आपको ये डायग्राम जो है मिल जाएगा। ठीक है, मेरा डायग्राम थोड़ा इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूं ड्रॉ करने की। ओके, सबसे पहले यहाँ पे एक एलिप्स है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, एक एलिप्स जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको एक सेमी सर्कल टाइप इस तरह बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि एक डायरेक्शंस, एक ये तो सेंटर पॉइंट होगा, डायरेक्शंस इस प्रकार है। फॉर एग्जांपल दिस इज माय नॉर्थ, तो उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा साउथ, दिस इज नॉर्थ, इस साइड क्या होता है वेस्ट होता है और इस साइड क्या हो जाएगा ईस्ट। तो आप इमेजिन कर पाओगे 3D में। ठीक है, नहीं क्या है, ठीक है समझ लो, ये हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट है, एक पृथ्वी का लेयर है हमारा अर्थ जिसके ऊपर हम रहते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, और यही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक हॉरिजोन बनता है। हॉरिजोन का मतलब मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना आपको। तो यहाँ पे आप इमेजिन करो कि ये पूरा एक स्पीयर है, ये पूरा एक स्पीयर है और यहां से नॉर्थ से लेके साउथ तक का एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है 3D शेप में। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को नजर आएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग अगर लगेगा तो यू कैन रेफर योर टेक्स्टबुक, उसमें डायग्राम बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बट यहां पे मेरा बनाने का मकसद क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन अपने हाथों से करना चाह रहा हूं, दैट्स व्हाई। ठीक है, नहीं तो आपको मैं स्क्रीन पे भी पढ़ा सकता था लेकिन मैं चाहता था कि मैं आपको यहां पे अपने हाथों से बना के दिखाऊं, एक एक पॉइंट बताऊं सो दैट आपको और क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो जेनिथ, इसको हम लोग बोलते हैं ऊपर के पॉइंट को जेनिथ बोलते हैं, ये सभी का मतलब मैं बताऊंगा आपको, चिंता नहीं करना है। ठीक है, दिस पॉइंट That is center point is called as nadir। ठीक है, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ओके, यहाँ पे एक horizon है, ये लिख देते हैं हम लोग horizon, horizon बोलते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या, ये स्काई वॉचिंग का कंसेप्ट है क्या, तो बचपन में लाइक हम सभी देखते हैं और आज भी कहीं ना कहीं आप समुन्दर के आसपास चले जाओ या फिर ऐसे जगह पे चले जाओ जहां पे दूर तक दिखाई दे। ठीक है ना, दूर तक हम लोग को जो हमारे जमीन है वो दिखाई दे। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम देखते हैं कोई जमीन को दूर से या फिर समुन्दर को भी देखते हैं तो हम सोचते हैं यार कि हमारा जो स्पीयर है यानी कि जो हमारा पृथ्वी है, आकाश जो है, जो स्काई है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि यार कहीं ना कहीं आप खत्म हो रहा है। यहाँ पे अगर कोई इंसान खड़ा है फॉर एग्जांपल बीच में तो उसको ऐसा लगेगा कि ऐसा पॉइंट आएगा कि यार वो खत्म हो रहा होगा। जैसे हम लोग दरिया को देखते हैं यानी कि जो हमारा समंदर होता है उसको देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार ये इतना आगे जा रहा है, इतना आगे जा रहा है, एक पॉइंट ऐसा होगा कि वो खत्म हो जाता होगा वहां पे जाके, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता है या नहीं होता है। ठीक है, हमारा स्पीयर है ना, गोल है हमारा, अर्थ जो है वो गोल है, बट हमें वो महसूस होता है कि वो क्या है, एक तरीके से हमारा जो स्काई होगा वो जमीन को एक पॉइंट पे आके मिल रहा होगा, एकदम एंड पे आके मिल रहा होगा। तो यही चीज होता है स्काई वॉचिंग का फंडा। तो फार अवे वी कैन से दैट कि जो स्काई होता है इट सीम्स टू बी टचिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पे हमें टच होता हुआ दिखाई देता है और यही जो चीज होता है ना जहां पे हमको लगता है। ठीक है ना, ये समझ लो, यहां से हम लोग देख रहे हैं तो यहां पे ऐसा लगता है कि नॉर्थ और साउथ पोल के हिसाब से यहां पे अगर खड़े हैं तो यहां नॉर्थ से देखेंगे तो हमको लगता है कि एकदम एंड होगा कहीं पे, तो साउथ में देखेंगे तो ऐसा लगे कहीं एंड होगा। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन बोलते हैं। ये चीज याद रखना, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन बोलते हैं। ओके, एंड द स्काई विल अपीयर टू बी स्पीयर, हम लोग को पता चल जाता है कि स्काई जो है हमारा, आसमान जो है वो कैसा दिखाई देता है हमें, स्पीयर जैसा यानी कि गोल जैसा बॉल होता है ना हमारा, वैसा दिखाई देता है। ठीक है, और एक चीज है कि जो स्टार और प्लैनेट्स जो होते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, जो यहाँ पे स्काई में मूव होते हुए दिखाई देते हैं, जब भी हम लोग कोई आसमान की तरफ देखते हैं तो स्टार्स प्लैनेट तो हमें चलो दिखते नहीं, उसके लिए टेलीस्कोप की जरूरत होती है, लेकिन जब स्काई को देखते हैं तो हमें ऐसा मूव होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और यही
जो मूव होता हुआ दिखाई देता है ना, बिकॉज ऑफ दैट कि वो हमारा स्पीयर जो गोल है ना उसके वजह से वो मूव होता हुआ दिखाई देता है। एंड साथ ही में यही जो वर्चुअल स्पीयर होता है ना, इसी को क्या कहा जाता है, सेलेस्टियल स्पीयर कहा जाता है, जो हम लोग को एक इमेजिनरी स्पीयर है, क्योंकि एक्चुअल में तो वो स्पीयर है क्या, नहीं, हम लोग बस इमेजिन करते हैं यार ये गोल है, बराबर है ना, तो उसको वर्चुअल स्पीयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, कहते हैं हम लोग वर्चुअल, यानी कि एक तरीके से इमेजिनरी स्पीयर। वर्चुअल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इमेजिनरी, कि हम इमेजिन कर सकते हैं वैसा टाइप का जो स्पीयर होता है उसको वर्चुअल स्पीयर बोलते हैं। और यही वर्चुअल स्पीयर जो होता है इसको ही एक और टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है, सेलेस्टियल स्पीयर। ये सभी चीज आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आज के इस वीडियो में, तो ध्यान से देखना, ये टॉपिक है सेम ऐसे ही, ठीक है, जिसमें हम लोग अर्थ को लेंगे एंड पूरा आपको मैं दिखाऊंगा वर्चुअल स्पीयर को। और यही जो सर्कुलर जो हॉरिजॉन होता है, ठीक है ना, ये जो आपको स्पीयर दिख रहा है ये हॉरिजॉन जो दिख रहा है, तो हॉरिजॉन जो होता है ना ये हमारे स्काई को या फिर आपके वर्चुअल स्पीयर को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। और वो दो हिस्सों का नाम है, जो नाम होता है, एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर, ये भी आपको पता होगा। तो यही चीज आगे और थोड़ा सा डीप में आपको मैं समझाता हूँ कि किस प्रकार उसका डिवीजन हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे हम लोग आपको दिखाएंगे ताकि आपको ये चीज समझ में आए। तो इसको मैं सबसे पहले रफ कर लेता हूँ, ये जो डायग्राम है ऐसे ही सेम एक डायग्राम हमें देखना है, एंड वो डायग्राम के हिसाब से आपको ईच एंड एवरी पॉइंट की जेनिथ का मतलब क्या होता है, नादिर का मतलब क्या होता है, ये जो सेलेस्टियल स्पीयर मैंने बताया, इक्वेटर क्या होता है, ये सभी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अभी खत्म नहीं हुआ है, छोटा सा और एक एक्सप्लेनेशन बचा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं इसको हम लोग, एक डायग्राम है सबसे पहले उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है। तो डायग्राम इस प्रकार है, एक हमारा स्पीयर है, स्पीयर इन द सेंस कि जो हम लोग वर्चुअल स्पीयर की बात कर रहे थे ना, कि हमारा अर्थ क्या है, एक गोल है, स्काई क्या है, एक गोल चीज है, स्पीयर है, तो वो स्पीयर का हम लोग एक वर्चुअल डायग्राम यहाँ पे देखने वाले। एक सेंटर पॉइंट इसका भी होगा, ठीक है, इसका भी एक सेंटर पॉइंट होगा, एक सेंटर पॉइंट से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। चलो ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया हमने एक्सिस, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक चीज नोटिस करना है कि सबसे पहले बीच में जो होता है वो मेरिडियन होता है, ठीक है। बीच में हम लोग को क्या करना है, एक तरीके से एलिप्स ड्रॉ करना है, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार एलिप्स ड्रॉ करना है। इसका मैं नेमिंग करूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन सा पॉइंट क्या है, बस आपको थोड़ा सा एक बार देखना है। सेम इसी प्रकार यहां से भी, ठीक है, ये एलिप्स है, ठीक है, ये वाला एलिप्स है, और एक और एलिप्स है जो कि थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है ना, यहां से आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, इस प्रकार का एक एलिप्स है, और यहाँ पे आपका एक सेलेस्टियल नॉर्थ पोल और साउथ पोल का लाइन है जो कि इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसको बाइसेक करके जाएगा, ओके, ये वाला पार्ट। अब इसको नेमिंग कर लेते हैं, तो सबसे पहले ये जो लाइनिंग आपको दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, क्या बोलेंगे, नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, ओके, ये चीज आपको समझ में आ गया। फिर नीचे जो रहेगा आपका अगेन क्या रहेगा, वो आपका साउथ रहेगा, ठीक है ना, साउथ सेलेस्टियल पोल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसको टिल्टेड दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेलेस्टियल इक्वेटर। ये सभी चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, सबसे पहले आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं मैं, ये हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कौन सा चीज क्या है, आपको बस बने रहना है, ध्यान से देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है, सेलेस्टियल इक्वेटर, ठीक है, ये वाला लिख दिया मैंने सेलेस्टियल इक्वेटर। नेक्स्ट अगर बात करें, ये जो पॉइंट है, ये जो एलिप्स दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मेरिडियन, क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। मेरिडियन हो गया, और कुछ बच रहा है क्या यहाँ पे, हाँ, ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं जेनिथ, उसमें भी मैंने लिखा था, इसके पहले वाले डायग्राम में भी बताया था, और नीचे क्या होता है, नादिर होता है। अब ये एक्जैक्टली सब चीज क्या होते हैं इसको मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे जेनिथ, तो जेनिथ क्या होता है, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है डायग्राम में, टॉप पे दिख रहा होगा जेनिथ, तो जेनिथ इज नथिंग बट, अगर मैं बात करूं जेनिथ क्या होता है, कि जब भी हम लोग खड़े होते हैं कोई भी ग्राउंड के ऊपर, रोड के ऊपर, तो क्या होता है कि जो पॉइंट होता है ना सेलेस्टियल स्पीयर का, एग्जैक्टली अबव योर हेड, यानी कि जब भी आप एक जगह पे खड़े हो, समझ लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है ना, आप भी जहां पे खड़े हो, उसके एग्जैक्टली सर के ऊपर जो पॉइंट होता है हमारे स्काई का, स्पीयर है ना, स्काई भी स्पीयर है, गोल ही है ना, हम लोग गोल के अंदर है ना, ऐसा लगता है हमें, तो इमेजिनरी जो गोल है हमारा, एक्चुअल में तो ऐसा है नहीं ना, गोल तो है नहीं, आपको भी पता होगा, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि वो गोल है, ठीक है ना, तो हमारे एग्जैक्टली सर के ऊपर जो पॉइंट होता है, समझ लो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, समझ लो ये पॉइंट पे क्या है, एक इंसान खड़ा है, तो उसके एग्जैक्टली सर के ऊपर जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनिथ बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, क्लियर है दोस्तों। तो दैट इज द पॉइंट ऑन द सेलेस्टियल स्पीयर एग्जैक्टली अबव योर हेड इज नोन एज द जेनिथ। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, समझ में आ गया दोस्तों। अगला जो पॉइंट है वो है नादिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नादिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नादिर जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट, तो नादिर इज नथिंग बट जब भी हम लोग खड़े होते हैं कोई ग्राउंड के ऊपर, तो जो पॉइंट होता है सेलेस्टियल स्पीयर पे एग्जैक्टली बिलो योर फीट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी सर के एग्जैक्टली ऊपर आपका क्या था, जेनिथ था, तो एग्जैक्टली पैर के नीचे जो पार्ट रहेगा, जो टच हो रहा होगा जमीन के अंदर, वो पॉइंट को हम लोग बोलेंगे नादिर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा, सबसे इजी यही है याद रखने के लिए, ऊपर जेनिथ होता है, पैर के नीचे नादिर होता है, ये चीज याद रखना है।
तीसरा चीज है सेलेस्टियल पोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। सेलेस्टियल पोल्स, सेलेस्टियल पोल्स, तो सेलेस्टियल पोल्स आपको सबसे पहले डायग्राम में किधर नजर आ रहा है, दिस लाइन, दिस एक्सिस शोस अस दैट इज नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, एक होता है साउथ सेलेस्टियल पोल। तो ये एक्जैक्टली होता क्या, अगर मैं बात करूं, इफ वी एक्सटेंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, मतलब जो एक्सिस पे हमारा अर्थ रोटेट होता है, आपको पता होगा कि हमारा अर्थ जो है एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है, 24 घंटे में बार चक्कर काटता है ना, तो अगर उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे नॉर्थ और साउथ के हिसाब से, जैसे कि समझ लो ये मेरा अर्थ इस तरह से, ये जो एक्सिस है ना, ये दिख रहा है, ये जो एक्सिस नजर आ रहा होगा, ये एक्सिस, यही एक्सिस के अकॉर्डिंगली वो रोटेट हो रहा होगा अर्थ, तो उसको अगर एक्सटेंड करता हूं तो एक पॉइंट जहां पे ऊपर की तरफ मीट हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल, एंड नीचे की तरफ जहां पे मीट होगा उसको बोलेंगे साउथ सेलेस्टियल पोल। बहुत सिंपल सा इसका फंडा है। तो अगर हम लोग पेनिट्रेट करते हैं हमारा सेलेस्टियल स्पीयर को, ठीक है ना, जो भी पॉइंट है हमारा सेलेस्टियल पोल के हिसाब से, तो जहां पे भी एक्सटेंशन हो रहा है आगे की तरफ, दैट विल बी योर नॉर्थ, जहां पे एक्सटेंड हो रहा है पीछे की तरफ वो होगा आपका साउथ। तो ऐसे आपको याद रखना है सेलेस्टियल पोल, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट, दैट इज मेरिडियन, फोर्थ इसमें एक्सप्लेनेशन जो है आपका मेरिडियन है, तो मेरिडियन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा मेरिडियन का एलिप्स, आपको नजर आ रहा होगा। तो मेरिडियन एक्जैक्टली क्या होता है, इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी जो होता है उसमें अगर बात करें, ये जो एक ग्रेट सर्कल जो होता है विच प्रोसेस थ्रू बोथ सेलेस्टियल पोल्स एंड ऑब्जर्वर्स जेनिथ एंड नैदर, मतलब यहां पे कि एक बहुत ही बड़ा हम सर्कल अगर ड्रॉ करें, एक इमेजिनरी सर्कल अगर ड्रॉ करें जो कि पास हो रहा है किससे, सेलेस्टियल पोल से, ठीक है। तो आपका सेलेस्टियल पोल किधर है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेलेस्टियल पोल, यानी कि एक ऐसा सर्कल है, देखो ध्यान से देखना कि मेरिडियन एक ऐसा सर्कल है जिसमें से आपका सेलेस्टियल पोल का जो एक्सिस है वो भी पास हो जाएगा, आपका जेनिथ और नादिर का भी लाइन जो है पास हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन, ये वाला भी लाइन और ये वाला भी लाइन, दोनों इसमें से ही पास हो रहा है, तो ऐसे टाइप के सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे, मेरिडियन बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही यहाँ पे, और वो भी एक्जैक्टली सेंटर में, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा होगा एक्जैक्टली बीच में ही, कहीं भी टेढ़ा और टिल्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मेरिडियन। वैसे ही फिफ्थ पॉइंट है इसका, तो फिफ्थ पॉइंट का नाम है सेलेस्टियल इक्वेटर, ठीक है ना, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये वाला सर्कल, दिस सर्कल इज नोन एज सेलेस्टियल इक्वेटर, ठीक है। तो सेलेस्टियल इक्वेटर क्या होता है ये भी आपको बता देता हूं, सेलेस्टियल इक्वेटर, ठीक है, ओके। तो सेलेस्टियल इक्वेटर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इफ वी यूनिफॉर्मली एक्सपांड द अर्थ इक्वेटर, हमारा अर्थ का एक इक्वेटर होता है, आप सभी को पता होगा कि हमारा अर्थ का जो एग्जैक्टली हाफ पोर्शन होता है, जो बीच में एक लाइन आप खींच दो हमारे अर्थ के बीचों बीच से, उसको इक्वेटर बोलते हैं। ये तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, क्योंकि ये भी ज्योग्राफी का ही फंडा है ऑलमोस्ट देखा जाए तो, ठीक है ना। तो अगर ऑल डायरेक्शन में इनडेफिनेटली मतलब मुझे पता नहीं कितना भी लंबा हम क्या करें, अगर एक एक्सपांशन कर दे, एक्सिस ड्रॉ कर दे वहां पे, तो इट विल पेनिट्रेट द सेलेस्टियल स्पीयर अलोंग ए सर्कल, यानी कि वो जो होगा हमारा जो सेलेस्टियल जो स्पीयर होगा, स्पीयर जो यानी कि पूरा का पूरा स्पीयर है, तो उसको क्या करेगा, वो एक्सपैंड करेगा एंड जाके यहाँ पे मीट करेगा, तो वो जो इमेजिनरी सर्कल बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेलेस्टियल इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर का लाइन पे बन रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेलेस्टियल इक्वेटर। एंड छठा सिक्स है इसमें, क्या बच गया दोस्तों, सिक्स वन जो कि इसमें नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो खेल है वो क्या है, एक्लिप्ट का है, तो एक्लिप्टिक, ठीक है ना, जो कि हमारा आखिरी स्टेटमेंट है। तो एक्लिप्टिक एक्जैक्टली है क्या, ये यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो एक्लिप्टिक क्या है, कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, हमारा जो अर्थ होता है वो सन के अराउंड मूव होता है, बट सीन फ्रॉम द अर्थ द सन अपीयर्स टू मूव अलोंग ए सर्कल ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर। तो एक बहुत बेसिक सा फंडा इन्होंने बोला, क्या बोला इन्होंने, कि हमारा जो अर्थ है ये एक्चुअल में रोटेट होता है खुद में और सन के चक्कर काटता है, लेकिन जब हम अर्थ के ऊपर रहते हैं तो हम जब सन को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सन मूव हो रहा है, क्योंकि करेक्ट है ना, हम सुबह उठ के देखते हैं तो सन ईस्ट में होता है और शाम को देखते हैं तो वेस्ट में होता है, तो हमें ऐसा लगता है, अगर प्रैक्टिकली बात करूं, हमें ऐसा लगता है कि सन जो है वो ईस्ट से लेके वेस्ट में मूव होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है ये तो आपको पता होगा दोस्तों, कि सन कहीं मूव नहीं होता है, सन अपनी जगह पे फिक्स है, हम मूव करते हैं, अर्थ जो है वो मूव करता है, इसके लिए हमें ऐसा महसूस होता है कि सन जो है वो मूव हो रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो यही जो चीज होता है, जो सर्कल होता है, डिस्क्राइब करता है apparent motion of the sun, जो हमें बता रहा है कि हमारा जो motion है वो कैसा है, एक ellipse के हिसाब से, हम earth के ऊपर है तो वो sphere नहीं है, वो एक ellipse के हिसाब से अंडाकार बोलते हैं ना हम लोग, तो वो ecliptic motion में कहा जाता है, that's why it is called as the ecliptic, clear है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का टॉपिक है ये मैं करता हूं समाप्त, और आज का लेक्चर भी समाप्त करता हूं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, और इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नक्षत्र वगैरह है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ना ऑफ टॉपिक है एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये एक्चुअली साइंस में नहीं आता है, साइंस में डाला हुआ है, लेकिन ये पूरा सा एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योग्राफिकल पार्ट है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं और अच्छे से समझा सकूं और बेहतरीन वे में समझा सकूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले
अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 भी होगा दोस्तों, इसमें आपको आगे के जो नक्षत्र होते हैं, जोडियक साइंस वगैरह होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।